हेलो एवरीवन, नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2020 के नेट एग्जाम का क्वेश्चन है, सेट पे क्वेश्चन है, सेट की कार्डिनलिटी पे। एक सेट गिवन है, पूछा है कि वो सेट काउंटेबल है, वो सेट अनकाउंटेबल है, फाइनाइट है, सिंगलटन है, ऐसा कुछ सेट क्या है। एन इनफाइनाइट बाइनरी वर्ड ए इज अ स्ट्रिंग, दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग वेयर ए एन बिलोंग्स टू 0 1। मतलब एक इनफाइनाइट बाइनरी स्ट्रिंग है, ये तो सीक्वेंस है, तो हमारे लिए मैथमेटिकल लैंग्वेज अगर यूज करूं तो एक वर्ड एक सीक्वेंस है जो नेचुरल नंबर से 0 1 में जा रही है, ठीक है, ए एन सीक्वेंस, और उसी में एक पर्टिकुलर वर्ड है एस, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है एस, और वो सीक्वेंस क्या है, ऐसा कुछ कि जब आपका n एक प्राइम नंबर है तो 1 लिखिए, और अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो 0 लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, s इज नथिंग बट 0 1 1 0 1 0 1, है ना, s1 S2, S3, S4, S5, 6, 7, and so on. S एक fixed sequence है, क्योंकि उस प्लेस पे, प्राइम प्लेस पे आपको 1 लिखना है, जो प्लेस पे प्राइम नहीं है वहां आपको 1 नहीं लिखना है, 0 लिखना है, तो एक fixed sequence है। अब सेट S क्या है, इसमें हमें वो सीक्वेंस इकट्ठी करनी है A1, A2, A3, A4, such that there exist m belongs to natural number, an is equal to sn for all n greater than equals to, मतलब उस सीक्वेंस को कलेक्ट करना है जिस सीक्वेंस में कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद, कुछ m टर्म्स के बाद आपकी सारी सीक्वेंस si सीक्वेंस जैसा बिहेव करेगी, sn सीक्वेंस जैसा, ऐसे वर्ड्स इकट्ठे करने हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल बनाऊं तो पहले तो s खुद ही चला जाएगा इसमें, क्योंकि ये तो पहली टर्म के बाद ही ऐसा ही जैसा बिहेव कर रहा है, या फिर ऐसे सीक्वेंस जिसमें a1 आप कुछ भी ले लो, कुछ भी 0 और 1 में से कुछ भी, उसके बाद s2 s3 s4 s5 एंड सो ऑन, या फिर पहली दो टर्म्स आप कुछ भी ले लो, उसके बाद S3, S4, S5, मतलब कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद वो सीक्वेंस SI सीक्वेंस जैसा बिहेव करती है, ऐसी सारी सीक्वेंसेस इकट्ठी करो। और इस सेट के बारे में पूछा गया कि ये काउंटेबल है या ये अनकाउंटेबल है या ये फाइनाइट है, सब कुछ। हम क्या करते हैं, एक नया सेट डिफाइन करते हैं, कैपिटल SN। इसमें क्या है, देखो जैसे पहले वो टर्म से जिसमें पहली टर्म भी SI से शुरू हो जाती है, इसमें था पहली टर्म आप कुछ भी ले लो, दूसरी टर्म से शुरू कर लो, तो मैं इनको अलग तरह से देखता हूं। जैसे SN इकट्ठा करते हैं, SN क्या है, A1 A2 A3 AN-1, और उसके बाद आपका स्मॉल SN SN+1 ये सब, और AIs कहां से हैं, 0 और 1 से। कि पहली n-1 टर्म्स तो आप 0 और 1 में से कुछ भी ले सकते हो, उसके बाद sn जैसा ही बिहेव करेगी, और sn कैसा बिहेव करता है वो हमें पता है, प्राइम वाले प्लेसमेंट पे 1, नॉन प्राइम वाले प्लेसमेंट पे 0। जैसे अगर मुझे s3 बनाना हो तो s3 का मतलब है कि आप a1 a2 कुछ भी लो 0 और 1 में से, उसके बाद आपको s3 s4 s5 ही लिखना पड़ेगा। जैसे मैं 0 और 1 में से क्या ले सकता हूं, 1 1 ले लेता हूं दोनों को, उसके बाद S3 जैसे ही बिहेव करना है, तो S3 S4 S5 S6 S7 एंड सो ऑन। यहां 1 1 की जगह है 1 0 ले लेता हूं, पर पीछे का सारा तो सेम है, 1 0 1 0 1, या फिर शुरू के टर्म्स में 0 1 ले लेता हूं, या फिर शुरू के दोनों टर्म्स 0 ले लेता हूं। तो S3 सेट में बस यही 4 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि आपके पास बस A1 और A2 के पास चॉइस है, और कितनी चॉइस है, 2 चॉइसेस हैं, 0 और 1, तो 2 into 2
4। इस तरह कोई भी एसएन हो उसकी कार्डिनलिटी बनेगी 2^n-1। दोबारा देख लो, एसएन में क्या है, a1 a2 an-1, फिर sn sn plus 1 एंड सो ऑन। ai कहां से है, 0 और 1 से। a1 a2 a3 an हर किसी के पास दो चॉइस है, 0 या 1। पीछे चॉइस नहीं है, आपका sn फिक्स होता है, n प्राइम है तो 1, प्राइम नहीं है तो 0। टोटल चॉइसेस कितनी हुई, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2^n-1। तो sn की कार्डिनलिटी फॉर एवरी n इट इज 2^n-1। और अब आप ऑब्जर्व करो, जो आपका गिवन s है ना, वो नथिंग बट यूनियन ऑफ दीज sn, इन सभी s1 s2 s3 का यूनियन कर दो तो आपका कंप्लीट s बन जाएगा। यही तो था, देख लो, ये है आपका s1, a के एलिमेंट आएगा उसमें, ये है s2 के एलिमेंट, यहां पे a1 को एक बार 0 ले लो, एक बार 1 ले लो, दो एलिमेंट, फिर s3 के एलिमेंट, फिर s4 के एलिमेंट, फिर s5 के एलिमेंट, इस तरह सभी का यूनियन करो तो आपका s बनेगा। और यहां हम देख सकते हैं कि यूनियन वेरी कर रही है काउंटेबल सेट पे, और हर सेट में फाइनाइट एलिमेंट, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, दिस इंप्लाइज s इज काउंटेबल। पहली बात तो s काउंटेबल है। अब जैसे ऑप्शन में ये दे रखा काउंटेबल इनफाइनाइट है या नहीं, तो वो भी आप देख सकते हो, s3 में 4 एलिमेंट है, s4 में कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट, 8 2^n-1। तो हर स्टेज पे एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं, ये सीक्वेंस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, तो ये काउंटेबल भी है और इनफाइनाइट भी है, तो दिस सेट s इज काउंटेबल इनफाइनाइट। आंसर क्या बना, सी, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, बाय।